सत्यनारायण प्रभु ये साधु वाणी ने झूठो बोलनारो जाणी ने तेने मोटो दुख बंधन तिरस्कार वगैरह दुख प्राप्त थावो एवो अभिशाप आपेलो छे એટલા માટે આ સાધુ વાણીઓ પોતાના જમાઈ સાથે રહેતો હતો ત્યાં જે ગામના રાજાનો ખજાનો તોડી ધન ચોરી લાવી ચોર સાધુ વાણીના રહેવાનગરમાં સંતાઈ રહ્યો છે ચોરને પકડવા રાજાની સિપાહીઓ તેની પાસે દોડી આવ્યા તે જોઈને ચોર ત્યાં શસ્ત્રોને જમાઈ સુતા હતા ત્યાં ધન નાખીને સર્વનો ત્યાંથી નાસી ગયો છે સિપાહીઓ જે ઠેકાણે જમાઈ સાથે સાધુ વાણીઓ હતો ત્યાં રાજાનું ચોરેલું ધન કરેલું જોઈને સાધુ વાણીને તથા તેના જમાઈને કેદ કરી બાંધી લઈ ગયા છે અને આનંદી જોડ આવીને રાજાને કહેવા લાગ્યા છે અરે હે મહારાજ અમે બે ચોરને પકડી લાવ્યા છીએ તેને જોઈને સજા કરવાનો હુકમ કરશો આ સ્વામીને રાજાએ ચોરને જોવાનો વિચાર કરી આવ્યા હતા એક વખત કેદ કરવાની શિક્ષા આપતા મહારાજ સિપાહીઓ તેમને સગત બાંધીને મોટા કેદખાનામાં પૂરી દીધા છે સત્યનારાયણ ભગવાનની માયાથી મહે થયેલા ચંદ્રકેતુ રાજાએ કોઈનું કાંઈ સાંભળ્યું નહીં ચોરાઈ ગયેલું ધન દો લીધું તેમની સાથે અવિચારે સાધુવાણીનું ધન પણ લઈ લીધું છે બીજી તરફ કહી છે પોતાના ગામે પોતાના ઘરમાં મૂકેલો ઘણો ધનચોરો લઈ ગયા છે સાધુવાણી સિંધ્યાવતી ઘણા દોકરી અને સરસ્વતા ભૂતની ભેદ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા સામીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા લાગી છે મારો દોષ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी दिया बाती करके किचन में ही आ गई हूँ और ये मैंने मलाई यहाँ निकाल के रख ली है, इसे एक घंटे के या आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी भिगोनों में। ये दो भिगोने भर गए थे, ये 15 दिन की मलाई है आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी है क्योंकि आज से तो नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। तो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्र और जय माता दी। तो अभी मैं और धारा के पापा चाय पियेंगे। इस साल तो धारा के पापा ने भी नवरात्र रखे हैं। तो अभी ये गर्म पानी से मैं अच्छे से भिगोने साफ कर लिए हैं मैंने। तो ये सारा गर्म पानी इसमें ऐड कर दूंगी और इसे एक घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी। उतने में मैं घर के सारे काम निपटा लूंगी। तो ये अच्छे से रूम टेम्परेचर में आ जाएगी क्योंकि फ्रिज से निकाली है, 15 दिनों की है ये मलाई। फ्रिज में रखने से ये बहुत हार्ड हो जाती है तो ब्लाइंडर चलाने में हमें दिक्कत होगी, इसी वजह से इसे मैं अच्छे से अभी रख दूंगी। और चाय बनेगी फिर हम चाय पियेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ दिन पहले ये साड़ी में से ये पूरा सरारा सूट बनाया था मेरे लिए और धारा के लिए। तो ये यही मैं आपको दिखा रही थी, ये देख सकते हो ये मेरी पुरानी साड़ी थी, इसमें से मैंने बनाया है। और यहाँ पर है ये धारा का, धारा के लिए भी मैंने बनाया है, हमने माँ बेटी ने दोनों ने ही सेम ही बनाया है। और ये वाली कुर्ती तो आपने मुझे कई बार पहने देखा ही होगा। तो आज सोच रही हूँ कि इसमें से मैं कुछ धारा के लिए बनाऊंगी क्योंकि ये रियोन का कपड़ा है और एक डेढ़ साल से तो मैं ऐसे ही पहन रही हूँ इसे। पर ये कपड़ा बहुत अच्छा है और धारा को पहनने में भी कंफर्टेबल रहेगा। तो धारा के लिए इसमें से कुछ बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी देखती हूँ, शेयर करूंगी आपके साथ। और मैं आपको अच्छे से ये पूरा गरारा सूट भी दिखाऊंगी। देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये धारा का गरारा है और यहाँ पर ये मेरा है। पर धारा के पापा को पसंद नहीं आया पहनने के बाद, तो उन्होंने मुझे मना किया है कि ये गरारा सूट तुम नहीं पहनोगी। और फिर ये कुर्ती मैं किसी भी पेंट के साथ या किसी भी प्लाजो के साथ पहन लूंगी पर ये गरारा नहीं पहनूंगी। तो इसमें से भी मैं धारा के लिए कुछ ना कुछ बना दूंगी, इसका लहंगा बना दूंगी। और जब ये एक दो बार ये पहन लेगी गरारा तो इसमें से चोली बन जाएगी ऊपर की। और इसमें से मैं जो मेरा गरारा है ये प्लाजो वाला, तो इसमें से मैं धारा के लिए लहंगा बना दूंगी। तो नवरात्र में पहनने के लिए धारा के पास अच्छे से गरारा लहंगा सूट तैयार हो जाएगा।
तो ये वहाँ पर रखा हुआ है, मेरी साड़ी का ही ब्लाउज है। तो यही बताना था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये मेरा गरारा सूट जो मैंने हाथों से सिला है साड़ी में से, तो आपको कैसा लगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर, धारा फैमिली व्लॉग पर। तो अभी जस्ट सारा काम निपटा कर यहाँ पर मैं चूल्हे पर ही बैठ गई हूँ। अभी मैंने कपड़े सुखाए हैं और सुबह ही मैंने गेहूँ रखने की जो पेटी आती है वो अच्छे से वॉश की है, तो उसे भी मैंने अभी सुखाया है। और परसों गेहूँ भी आ गए हैं, तो आज गेहूँ का काम सारा स्टार्ट करूँगी, गेहूँ साफ़ करने हैं। हालांकि उसे छानना या और कुछ चीज़ नहीं करनी, एक बार ही हाथ निकालना है। वो जहाँ से हमने मंगवाए हैं तो ये गेहूँ साफ ही है, 4 बोरी मंगवाई है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और मलाई भी रखी हुई है, सुबह मैंने चाय बनाते वक्त रख दी थी, तो उसे भी मुझे चलाना है। तो चलो पहले मैं आपको गेहूँ दिखाती हूँ। तो ये है गेहूँ यहाँ पर रखे हैं, ये 4 बोरी आई है, 1 बोरी 50 किलो की है। और सुबह ही धारा को तैयार करने के बाद मैंने ये गेहूं के भरने की जो पेटी होती है वो अच्छे से साफ़ करके रख दी थी, और अभी मैं इसे धूप आएगी तो सीधा कर दूंगी, तो अच्छे से धूप में ये सूख जाएगी। तो इसने मुझे ये सारे गेहूं भरने हैं तेल लगा के, तो आज ही शायद ये काम निपटा लूँगी, क्योंकि इतना कुछ काम नहीं है इसमें, एक बार हाथ ही निकालना है, साफ ही है ये। और अभी मलाई भी चलानी है, सुबह ही मैंने रख दी थी ये देखो। तो अभी इसे मैं चला लेती हूँ और साथ के साथ खाना भी पकाती जाऊँगी, तो दोनों काम एक साथ है जो हो जाएंगे। तो चलो पहले मलाई चला लेती हूँ। तो अभी मैं इस मलाई को चला लूँगी अच्छे से, ये रूम टेम्परेचर पर आ गई है। उसके बाद मुझे सब्ज़ी भी काटनी है, आज मुझे तोरी और आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो इसमें से मैंने मक्खन निकाल लिया है और इसे गर्म करने के लिए रख दिया है, और एक साइड पर मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल मेरा गर्म हो गया है, इसमें मैंने सरसों के दाने ऐड कर दिए हैं और थोड़ी सी हींग ऐड करूँगी। उसके बाद जो टमाटर काट के रखे थे वो ऐड कर दिए, और बेसिक मसाले ही मैं यूज़ करूँगी जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, वो नमक, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च, यही सारे मसाले मैं ऐड करूँगी। और जो सब्ज़ी मैंने काट के रखी है तोरी और आलू को, इसमें मैं ऐड कर दूँगी और अच्छे से चला लूँगी, और इसे भाप भाप में ही पकाऊँगी, क्योंकि तोरी में पानी का हिस्सा ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। इसे आप देख सकते हो अभी पूरी कढ़ाई भर गई है, पर ये जब सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी तो थोड़ी सी ही हो जाती है। तो अभी वहाँ घी भी मेरा गर्म हो रहा है, तो साथ के साथ मैं उसे भी चलाती जाऊँगी। तो अभी मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हो अच्छे से गल गई है, मैंने आपको दिखा भी रही थी। तो अभी मैं ऊपर से धनिया ऐड करूँगी, हरा धनिया, और घी भी मेरा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और थोड़ी देर इसे ठंडा करूँगी। तो यहाँ बाजरे की रोटी भी बन गई है, आप देख सकते हो। मैं इससे बड़ी भी बना लेती हूँ, और सब्जी तो आपने पहले देखी ही थी, आप देख सकते हो। और घी भी अच्छे से ये देखो सेट हो गया है और ठंडा भी हो गया है, तो इसे मैं अभी एक डिब्बे में छान के भर लूँगी। तो ये देखो मैंने ये डिब्बे में छान लिया है, दानेदार घी बनेगा इसमें से, और ये इतना बड़ा डिब्बा है, तो शायद ये 1 किलो से तो ऊपर ही होगा घी। ये 15 या 17 दिन की मलाई मैंने इकट्ठी की थी, उसमें से ये घी बनाया है। तो चलो अभी मुझे धारा को लेने भी जाना है। तो अभी यहाँ पर मैंने सारे गेहूँ निकाल लिए हैं, सारे तो नहीं निकाले, 1 बोरी मैंने यहाँ पर खाली की है और 1 बोरी यहाँ रखी है और 2 बोरी वहाँ पर रखी है। तो ये 1 या 1.5 घंटे में अच्छे से साफ हो जाएंगे, आप देख सकते हो इसमें कंकड़ या कोई भी कचरा नहीं है। इसे मुझे एक बार इसमें हाथ ही निकालना है, तो मैं अच्छे से इसे साफ कर लेती हूँ पहले। यहाँ पर
पर मैंने सारे गेहूँ अच्छे से साफ कर लिए हैं। अभी रात के बजे है 8 या 8:30 बजे है और अभी मैं इसमें कैस्टर ऑयल लगाने वाली हूँ। आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये 2 किलो है, 1-1 किलो की ये 2 बोतल है। कम पड़ जाएगा तो थोड़े गेहूँ में रख दूंगी, फिर सुबह मंगवा लूंगी क्योंकि इस तसले से भर के फिर मैं वो पेटी जो सुबह मैंने धो के साफ करके रखी थी इसमें मैं सारे गेहूँ भर लूंगी। तो चलो पहले इसमें कैस्टर ऑयल मिला लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। यहाँ देखो मैंने सारे गेहूँ अच्छे से जो मैंने सुबह ही टंकी साफ करके रखी थी जो लोहे की पेटी उसमें अच्छे से मैंने स्टोर कर लिए है और एक बड़ी सी पॉलीथीन बैग अंदर रख दी है इसमें मैंने स्टोर किए है क्योंकि इससे गेहूँ खराब नहीं होते। और कैस्टर ऑयल तो लगाया ही है हमने, अरंडी का तेल, तो इससे भी गेहूँ खराब नहीं होंगे। और हमें फुल्का चपाती या रोटी जब भी बनानी होगी तो हमें मोयनेट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि पहले से ही हमने इतना सारा कैस्टर ऑयल ऐड कर दिया है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही सारे लोग गेहूँ को स्टोर करते हैं और कैस्टर ऑयल लगा के स्टोर करके रख लेते हैं पूरे साल के लिए। हम मार्केट से जो बना बनाया आटा मिलता है वो नहीं खरीदते क्योंकि वो हमें खाने में अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे ही हम स्टोर कर लेते हैं। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। तो आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूंगी नई व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ, तो ऐसे ही वीडियो में बने रहना। और हाँ एक बात मैं बताना भूल गई, कल मैं कहीं जाने वाली हूँ, कल है संडे, तो किसी से मिलवाने वाली भी हूँ, तो कल का वीडियो आप देखना मत भूलना, कल मैं कहाँ जाने वाली हूँ और किससे मिलवाने वाली हूँ। तो बस बातें बहुत ज़्यादा हो गई है तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जय माता दी, गुड नाइट। अभी मुझे नहाना भी है।